अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की मालूमाती वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों आज हम देखेंगे दो चीज़ें देखेंगे, एक तो यह है कि वर्कशॉप शेड्यूल तो ऑलरेडी जारी हो चुका है, तो कैसे आप पता करेंगे कि आपका वर्कशॉप इसमें शेड्यूल हुई है या नहीं, नंबर एक। और क्या इसके बाद भी कोई वर्कशॉप शेड्यूल आएगा, एक तो हम ये देखेंगे। दूसरा ये देखेंगे कि अगर आपको अभी तक आगाही LMS पोर्टल का, CMS पोर्टल का, तो जहाँ से आपने ट्यूटर वगैरह चेक करने होते हैं, जो स्टूडेंट हैं या BEd वाले, उन्होंने अपनी असाइनमेंट और वर्कशॉप यहाँ से अटेंड करना होती है, तो सबसे पहले तो वर्कशॉप आप गूगल के ऊपर लिखेंगे ना AIUE वर्कशॉप शेड्यूल, ये पहला लिंक ओपन कर लेंगे, तो ये देखिए कि आइटम 2023 की आ चुकी हैं। इस तरह आपके सामने PDF फाइल होगी, ये फेज़ वन में है, इसके बाद फेज़ टू, थ्री और फोर भी आएंगे। तो आपने इस लिहाज से परेशान नहीं होना कि अगर आपके सब्जेक्ट कोड जो हैं वो इसमें अगर नहीं है तो आपने क्या करना, बैच टू का वेट कर लेना है। सिर्फ ये अभी बैच वन और टू की आई हैं, इसके बाद आगे थ्री और फोर भी आएंगे, नंबर एक। तो आपने इस चीज़ को एक तो नोट कर लेना कि अगर इसमें आपका कोड ना हो तो वो आइंदा आ जाएगा। दूसरा आपने ये देखना है कि आगाही LMS पोर्टल से जहाँ से आपने वर्कशॉप अटेंड करनी है, तो ये आगाही LMS पोर्टल होता है, इसका एक यूज़र ID पासवर्ड होता है, तो वो आप देख लें कि ये आइटम 2023 की यहाँ से आपने लॉग इन होना होता है। तो जब आपके पास यूज़र ID पासवर्ड नहीं होगा तो आप ज़ाहिर है इसमें लॉग इन नहीं हो सकते। अगर आपको यूज़र ID पासवर्ड नहीं मिला तो आप चले जाएंगे सपोर्ट में, यहाँ पे आ रहा है ये रीजनल LMS फोकल पर्सन, आप इसको कर लेंगे डाउनलोड। और जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये तमाम जो रीजनल डायरेक्टर हैं उनके यहाँ पर ईमेल आ चुके हैं। आपने फ़ौरन, अगर आपको यूज़र ID पासवर्ड नहीं मिला तो आप फ़ौरन क्या करें कि अपना यहाँ से डिस्ट्रिक्ट देखना है और उस ये ईमेल है, इसके ऊपर फ़ौरन आप ईमेल कर दें कि सर मेरी वर्कशॉप शेड्यूल हो गई हैं और मुझे अभी तक यूज़र ID पासवर्ड नहीं मिला है। तो ये इस पर आपने गफलत बिल्कुल नहीं करनी। दो पासवर्ड मिलने होते हैं आपको जब आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाता है, एक तो होता है ना CMS पोर्टल वाला, एक होता है आगाही LMS पोर्टल वाला, वो थोड़ा मुख्तलिफ होता है जो दूसरा CMS पोर्टल होता है। तो इसका मैं ज़रा सैम्पल आपको दिखा दे, तो जो ही आप होंगे लॉग इन तो यहाँ ये माइक्रोसॉफ्ट आपके सामने ओपन है, इस तरह का आपको सैंपल ये जो नज़र आए इस टाइप का आपके पास यूज़र ID पासवर्ड आना है। तो अगर आपको ये नहीं आया तो आपने करना क्या है, फौरन आपने रीजनल जो कोऑर्डिनेटर हैं उनको मेल करें, वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगे, ये आपका नाम, CNIC नंबर वगैरह, तो आप उनको दे दें ताकि वो आपको यूज़र ID पासवर्ड सेंड करें, ताकि आप टाइम पे वर्कशॉप जो है वो अटेंड कर सके। बाकी आपने एक और चीज़ भी देख लेनी है कि वर्कशॉप शेड्यूल के हवाले से, ये जो आपको नज़र आ रहा है कि आपने आइटम 2023 के भी ज़ाहिर ओपन है, तो माइक्रोसॉफ्ट टीम आपने डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल में, विंडो में या कंप्यूटर पे, जहाँ भी आपने लेनी है ये डाउनलोड करेंगे तो तब आप वर्कशॉप जो है वो अटेंड कर सकेंगे। मज़ीद कोई मालूमात लेनी हो तो यहाँ वर्कशॉप अटेंड करने का, क्विज़ अटेंड करने का, लैब मैनुअल, ये सारे दिए, आप यहाँ से भी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं और वर्कशॉप आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मालूमाती होगी। खुदा हाफिज़।